लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, क्लिपर 28 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उड़ीसा के वैतरणी नदी के बारे में। हिंदू धर्म के लोग नरक और वैतरणी नदी से परिचित हैं। इस नदी को वैतरणा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को उसकी मृत्यु के बाद उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग प्राप्त होता है। यह माना जाता है बुरे कर्मों के बाद जब आत्मा को यमदूत नरक ले जाते हैं तो उन्हें वैतरणी नदी को पार करके उन्हें ले जाना होता है। अच्छे कर्म करने वालों को इस नदी के रास्ते नहीं ले जाया जाता। इस नदी के बारे में जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि यह नदी नरक की ओर ले जाती है। इस नदी के संबंध में कुछ विद्वान इसे गंगा का रौद्र रूप भी कहते हैं। वैतरणी नदी का जिक्र महाभारत में भी हुआ है। महाभारत से वैतरणी नदी के बारे में जानकारी मिलती है कि जब भागीरथी गंगा प्रतिलोक में बहती है तो वैतरणी कहलाती है। वैतरणी नदी के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। इस नदी के संबंध में कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो उसे इसी नदी के द्वारा ही ले जाया जाता है। मृत्यु के दूत आत्मा को इसी नदी के रास्ते से ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में हमें इस नदी के बारे में जिक्र प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि नदी में पानी नहीं बल्कि रक्त और पस बहता हो। कुछ का तो ये मानना है कि इस नदी में केवल धुआं होता है। इस नदी में भयंकर जीव जंतु मौजूद रहते हैं। इस नदी को पार करने का तरीका ये बताया गया है कि पाप करने वालों ने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है तो एक प्रेत उसे अपनी नाव पर बैठाकर इस नदी की भयावह रास्ता पार कराते हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.